दोस्तों नमस्कार। यूजीसी ने सीयू सेट 2022 से रिलेटेड पांच बड़ी अपडेट जारी किया है। ये पांचों अपडेट हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जो इस बार किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी या पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पांच अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट ये निकल कर आया है कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज में जो एडमिशन होगी वो सीयू सेट के नंबर के बेसिस पे होगी। पीजी कोर्सेज के बारे में अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज में एडमिशन जो सीयू सेट के नंबर के बेसिस पे ही होगा। पीजी कोर्सेज में हो सकता है कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराए, लेकिन यूजी कोर्सेज का कंफर्म कर दिया गया है कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जितने भी यूजी कोर्सेज हैं सभी में एडमिशन सीयू सेट के नंबर के बेसिस पे ही होगा। इसके अलावा यूजी कोर्सेज जितनी है वो सभी यूजी कोर्सेज में क्लास 12 का नंबर का कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये जारी कर दे कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को 12 में कम से कम 75% नंबर होना ही चाहिए, तो वो अलग बात है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस में क्लास 12 के मार्क्स का कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा यूजी कोर्सेज में। पीजी कोर्सेज के बारे में भी कंफर्म नहीं किया गया, कुछ दिन में कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको इस चैनल पर अपडेट दे दूंगा। सेकेंड अपडेट जो निकल कर आई है वे है कि रिजर्वेशन पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी पहले चलते आ रहा था ठीक उसी प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसी इस बार भी फॉलो होगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जितने भी यूजी कोर्सेज हैं सभी यूजी कोर्सेज में एडमिशन जो है वो सीयू सेट के नंबर के बेसिस पे ही होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है उन सभी बच्चों को सीयू सेट से अलग कर दिया गया है, यानी कि सीयू सेट के नंबर के बेसिस पे या फिर वो सब बच्चे जो है सीयू सेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो इंटरनेशनल कैंडिडेट है, यानी कि दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है वो ये है कि सीयू सेट का जो इस बार एग्जाम होगा वो डिफरेंट लैंग्वेजेज में होगा, यानी कि 13 डिफरेंट लैंग्वेजेज में कंडक्ट कराया जाएगा। ये 13 डिफरेंट लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो ये है हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असामीज, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड इंग्लिश। ये लैंग्वेजेज हैं जिसमें सीयू सेट इस बार कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल कर ये आई है कि जो भी सीयू सेट का एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस जो है वो टोटली एनसीईआरटी बुक्स पे बेस्ड होगा, यानी कि जो भी आपका सीयू सेट का एग्जाम होगा उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी एनसीईआरटी बुक्स पे बेस्ड होंगे, यानी कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है इसी के बेसिस पे आपका सीयू सेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम जो है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल बताया गया, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट कराया जाए। इसके बारे में अभी ये चीज़ बताया गया कि ये टेंटेटिव डेट है, ये कोई मतलब फिक्स डेट नहीं हो सकता, ये आगे पीछे भी थोड़ा हो सकता है। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको इस चैनल पर अपडेट देते रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो ये था पांच बड़ी अपडेट जो यूजीसी ने जारी किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।